बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। सुबह हम लोग सुबह 9 बजे से उसका धूप में वेट कर रहे थे, फाइनली वो हमें मिल गया। बहुत अच्छा फील हुआ, बता नहीं सकती इतना अच्छा फील हुआ। और काफी अच्छे लुक में भी थे और हाँ वो बहुत क्यूट लग रहे थे, मुझे तो उनसे प्यार हो गया। सीरियसली अगर मौका मिलेगा तो आप मिलेंगे उनसे? बिल्कुल, मैं तो भी एयरपोर्ट जाने वाली थी बट सोचा कोई फायदा नहीं है। बट सच में मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया। मैं चाहूँगी, मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लगा कि ऋतिक को अपने फैंस के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, जो कि वो हम लोगों से नहीं मिले। बहुत फैंस थे, मीन्स हम लोग को तो अंदर जाने का अपॉर्चुनिटी मिल गया, बट मतलब बहुत ऐसे थे ना जो लोग मतलब बाहर सुबह से खड़े थे, बट ऋतिक बस से आए वो अंदर चले गए पर्दे में। बट मतलब उन्हें मेरा कहना ये था 2 मिनट में एटलीस्ट फैंस के लिए टाइम निकाल के 2 मिनट बाहर आना चाहिए था, यही चीज़ गलत किया उन्होंने। सुबह से 9 बजे से हम लोग बाहर ही खड़े थे, पहले तो एंट्री नहीं मिला, फिर हम लोगों को उधर से जाके एंट्री मिला। मतलब फिल्म में देखने के इतना स्मार्ट है, इतना मतलब इतना उसका आईज है, बहुत शौक हो गया उसको देख के। एंड सीरियसली वो जितना सुंदर फिल्म में नहीं था उतना रियल में सुंदर लगता है। सीरियसली उसके फैन हो गए आज से मैं तो। बहुत स्मार्ट लगा बहुत देख करके, फिर से हम लोगों को मन कर रहा है मिलने का, वो चला गया हम लोगों का अधूरा रह गया। क्या हम लोग तुरंत 2 मिनट के लिए बस मिले या कुछ भी? बस थोड़ी देर के लिए हम लोग देखे, उसके साथ सेल्फी नहीं ले पाए। अभी भी मौका है, पटना एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, जाइएगा क्या? नहीं वो निकल गया होगा अभी तक, हम लोग पटना एयरपोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर मौका होता किसी भी तरह जाने के लिए हम लोग रेडी थे। Thank you.